कोई नहीं जो ना हो गम से बेजार। मत ना चल चला चल अकेला चल चला चल अकेला चल चला चल। या खुदा एक दिन जजुबे आशिकी वो नजारा दिखाए तो क्या बात है। भैया एक बात तो है, जब तक इफ्तार में वैरायटी ना हो ना रोजा खुलने का मजा ही नहीं है। जब तक 6-7 लोग दस्तरखान में ना हो ना वैरायटी का भी मजा नहीं आता। ओहो अब वैरायटी तो मैं बना सकती हूँ, खाने वालों को तो अल्लाह ही भेजता है। हाँ फूफो, दाने दाने में दिखाए खाने वालों का ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो बच्ची फातिमा, तुम समझदार हो गई हो। देखो तो बाहर कोई है। अलाप निरंजन। फूफो कोई फकीर है। अच्छा पूछो जरा क्या चाहिए। बाबा क्या चाहिए। बेटी स्वामी जी को प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा। तुम्हें मेरी फिक्र है शहबाज, सुबह से तूने भी तो परमात्मा करे तुम्हारे घर की सभी समस्याएं सॉल्व हो स्वामी ओम जी, मैं उसके लिए विशेष रूप से परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए बाबू जी, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। अभी 15 मिनट में रोजा इफ्तार शुरू होने वाला है और बड़ी खुशी होगी यदि आप हमारे रोजा इफ्तार में शामिल हो। आइए आइए। ऐ बालक तू सच्चा मुसलमान है, पक्का तेरा ईमान है, तेरी नजर में अव्वल इंसान है। शुक्रिया बाबू। अब बैठ। हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम। अकबर भाई की खिदमत में पेश है गर्मा गर्म पकौड़े हमारे वाइफ की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुश आमदी खुश आमदी। सत श्री अकाल जी। अस्सी लाए थोड़े वास्ते ठंडी ठंडी लस्सी। आओ आओ मत पीजी, आओ पधारो, आओ पधारो। अमर प्रीत है जी, ओनली अमर कागरो। जी अमर जी आओ बैठो, थोड़ा स्वागत है। स्वामी जी अभी हम रिज़्क के पास चल के जाते हैं, कभी रिज़्क हमारे पास चल के आता है, क्या करिश्मा है कुदरत का। बेशक मां अन्नपूर्णा की यही इच्छा थी। मुझे फक्र है अपने हिंदुस्तान पर और यहाँ रहने वाले लोगों पर। हम अलग अलग मजहब के होकर भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जैसे कि गीता में लिखा है 3rd अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये न भावयता ने नदी देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। आज यहाँ अमर अकबर एंथनी को एक साथ देख करके और इफ्तार करते हुए देख करके लोगों को सीखना चाहिए कि पड़ोसी का धर्म क्या होता है। यही तो राम राज्य है और इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और इसका अनुसरण करना चाहिए।
अकबर भाई ये हमारा बालक शाहबाज। शाहबाज मैं बचपन से ही इनको अपने साथ रखकर के इनका पालन पोषण कर रहा हूँ, क्योंकि इनके माता पिता इनसे बिछड़ गए थे, मैंने ही इन्हें अपने आश्रम में पाला है और एक मौलाना लगवा करके इनको मैंने इस्लाम की पूरी तालीम दी है। और मुझे फ़ख्र है कि ये एक बहुत अच्छे हाफिज भी बन चुके हैं, इस्लाम की का सारा नॉलेज इनको हमने दिया है और अब ये लोगों को इंसानियत सिखा रहे हैं, जिसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। स्वामी ओम जी ने मुझे हर खुशी दी, किसी चीज की कमी होनी नहीं दी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। खुशकिस्मत हो यार। स्वामी जी, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आज की इफ्तार की दावत की शुरुआत आप अपने सिखाएं। ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह बानो आप ही बैठ जाओ। आइए। इफ्तार शुरू करने से पहले आप लोग खुदा से परमात्मा से प्रार्थना करें। ऐ दुनिया बनाने वाले, हम सबके मालिक, तूने हम इंसानों से अलग अलग मजहब में, अलग अलग मुल्कों में हम लोगों को तूने पैदा किया, अपनी रहम हम पर कायम रखना और हमें लड़ाई झगड़ों बुराइयों से बचाना, हमारे अंदर इंसानियत और ईमान पैदा करना। ए खुदा, ए परमात्मा, हम पर मेहर करना। ओम। इस दुनिया में इज्जत के लिए, अपने वतन की ताकत के लिए, मिलकर ही रहना होगा, सबको अपना कहना होगा। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पूरे होंगे सबके सपने, बन के रहेंगे अपने अपने, पूरे होंगे सबके सपने। वैसे आज हमें जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग सोएंगे ही नहीं, क्योंकि आज तो 27वीं शबे कदर है, हमें रात भर जगना और इबादत करनी है। अच्छा अकबर भाई, अब चला जाए। आपको याद है पिछले साल हमने भी रात भर यहाँ इबादत की थी। थैंक यू अंतनी भाई। शब्बर। अच्छा अकबर भाई, हम भी चलते हैं, बहुत दूर जाना है शहर से। जयपुर जाना है हमें। स्वामी जी, मैं ड्राइवर को बोल लेता हूँ, वो आपको बस स्टैंड छोड़ दे। ठीक। हेलो। हाँ ड्राइवर साहब, स्वामी जी को जयपुर जाना है, इनको बस स्टैंड पे छोड़ दे। क्या कहा? सुबह 5 बजे की बस है। ओहो स्वामी जी, 5 बजे की बस। स्वामी जी, अब आप सुबह ही जाइएगा, अब इस वक्त रात में कहाँ जाएंगे? देखिए, वैसे तो हमारा एक नियम है, कहावत है कि साधु लोगों के लिए हमेशा के लिखा गया है, रमता जोगी बहता पानी, नदी की तरह हम कहीं ठहरते नहीं हैं। लेकिन चूंकि आप देवी स्वरूपा हैं, आपके पवित्र भाव को सम्मान देते हुए मैं निश्चित रूप से आज रात में आपके घर में ठहरूंगा।
इन्हें रात को पूजा करनी होती है, क्या मेरी पूजा की व्यवस्था हो जाएगी, क्या मेरे मुझे पूजा करने के लिए जगह मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं शाबाना, आप इनके लिए पूजा के लिए जगह तैयार करो, तब तक हम तीनों मस्जिद में होके आते। आइए स्वामी जी, आइए शरण में आइए। अकबर भाई, आप तो इतने भद्र पुरुष हैं, इतने सज्जन पुरुष हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि कोई ऐसा दुख है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आप मुझे विस्तार से बताएं कि वो दुख आपको क्या है। क्या बताऊं स्वामी ओम जी, जब से बहन का तलाक हुआ है घर की खुशियां छिप गई। मगर कब और क्यों और कैसे, ये मैं आपको घर चल के बोलता हूँ। आती हूँ। बड़ी देर लगा के आप लोगों ने आने में। क्या बना जी? ट्रेन के लिए चाय बना के लाओ। अच्छा अच्छा। बाबा जी, कुदरत भी देखो कैसे कैसे खेल के लाती है। इसका निकाह किया था, बहुत कुछ दिया था, बहुत अच्छा घर था, कोठी थी, गाड़ियां थी, और दिया भी काफी कुछ, 5 साल तक। लेकिन जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो बहाने से उसको घर छोड़ा। कुछ दिन बीते तो मैंने उनको फोन किया। जानते फोन पर क्या कहती हैं? फोन पर उन्होंने उसको तलाक दे दिया। घर बैठे क्या कमी है? ओहो हो, अकबर भाई ये बात है, ये भी एक बड़ा मसला है। हम सभी लोग मिलजुल करके इस पर विचार करें तो कोई ना कोई अच्छा हल जरूर निकल सकता है। ऐसी तलाक से तो लाखों मासूम औरतों की जिंदगी बर्बाद हो जाया करती है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। जी दीजिए भाईजान चाय, आपकी तो बिना चीनी वाली है। और आप कितनी चीनी लेंगे? 1 चम्मच। आपकी 1 चम्मच वाली। और आप कितने लेंगे? जितनी आप लेते हो। हम तो ये दीजिए, अभी डालती हूँ। जितनी आपको डालनी है आप डाल दीजिए। स्वामी जी, आपकी पूजा की जगह मैंने लगा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। और मेरी जगह आपकी वो रही। वैसे मुझे अपनी जगह बनानी आती है। तो बना लीजिए। ये टोपी कहाँ है? आपकी टोपी? हाँ, वो टोपी लेके लेकर आते। सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलोऽवध कर्णकः लम्बोदरस्य विकटोऽभिघ्नः नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वदेवी देवतायै नमः। सर्वनवग्रहेभ्यो नमः। सर्वऋषिभ्यो नमः। सर्व महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आदि सर्व देवी देवतायै नमः। ओम।
भी चलो हमारी बतिया आपके दर से कोई बेटी अपना दोनों हाथ आप आगे कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीमीं नमश्चण्डिके ओम अंग कं चं टं तं पं यं सं बीं दुं ऐं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप तं कुरु कुरु ओम सर्वमनोकामना पूरे पूरे ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आदि सर्वदेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। बेटी ये यक्षिणी देवी की सिद्धि से मैंने इसको सऊदी अरब से आपके लिए मंगवाया है। ये अमृत के समान लाभदायक ये दवा है, इससे आपकी सभी बीमारियां दूर होंगी। इसका दो बूंद आप गौ माता के दूध में मिला करके उसको आप पी लेना। सावधानो बेटी, जरा संभल के चला करो बेटी। नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। खाफ़े तूफान है बिजली बानो, ये स्वामी ओम जी ने दिए। अब क्या फायदा? हर वक्त फायदा और नुकसान देखा जाता है। आप पे अल्लाह पे भरोसा नहीं है, ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है आपको? मगर तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा तो पड़ोसी समझेंगे? मैं बात करता हूँ स्वामी ओम जी से। करो बात। ये देखिए क्या है, तुम्हें मालूम है तुमसे उम्र में बड़ी है, अब तुम क्या कर? मुझे उम्र से शादी नहीं करनी। क्या कर? बाबा जी कुछ समझे अकबर भाई, मैरिजेज आर मेड इन हेवन एंड आर कंज्यूमेटेड ऑन अर्थ। शादियां स्वर्ग में तय होती है लेकिन पृथ्वी पर उसका असल रूप वो धारण करती है। आप होने दीजिए,
आप उम्र के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? बाबा जी आप ठीक करते हैं, मैरिज इज आर वेडिंग हेवन, शादियां स्वर्ग में बनती हैं। तो आप बताइए फिर इतलाक क्यों होता है? तलाक भी ऊपर बन के आता है? बिल्कुल नहीं। देखिए ये शैतान लोग स्वार्थ बस एक साथ तीन तलाक देकर के मासूम औरतों का और उनके बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं। लेकिन मेरा शाहबाज उनकी तरह फकर नहीं है, असली फकीर है, और फकीर तो बादशाह से भी बड़ा होता है। आप उसकी चिंता न करें, ये अपनी बीवी को हमेशा खुश रखेगा। मेरा आशीर्वाद और मेरी दुआ है इसके साथ में, आप चिंता न करें। शाबानो आप आइए। आओ आओ साहब, मेरी खुदा से दुआ है, प्रार्थना है कि आप लोगों का जीवन सुख शांति समृद्धिमय आनंदमय हो, और कभी किसी औरत को कभी कोई तलाक न दे, ये नरकमय जीवन न दे, और तलाक देने वालों का लोग बहिष्कार करें, तलाक देने वालों को उस ढंग से दंडित किया जाए कि कोई किसी को इस तरह से तलाक देने की हिम्मत न कर सके। ओम आमीन आमीन।